देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें किसी से छिपी नहीं है, राज्य में हो या फिर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस में लगातार गुटबाजी की खबरें सामने आती रहती हैं। खेमेबाजी को लेकर कई बार नेताओं के बागी रुख भी सामने आते रहते हैं। इसी को लेकर राजस्थान में भी गुटबाजी को लेकर राजस्थान सरकार में काफी बार ऐसी खेमेबाजी की खबरें सामने आई जिसमें राजस्थान सरकार से टूटने की नौबत भी सामने आ गई। एक बार पिछले ही साल सरकार राजस्थान की जो कुछ भी हुआ अशोक गहलोत सरकार के बीच उसमें सबने सब कुछ देखा। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार और सचिन पायलट समर्थकों के बीच गुटबाजी ने राजस्थान सरकार की नौबत टूटने तक आ गई थी, लेकिन सोनिया गांधी यानी कि आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद सब कुछ एक बार फिर से मजबूत करने की कोशिशें की गई, लेकिन एक बार फिर सचिन पायलट और उनके समर्थक राजस्थान में बागी होते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट ने खुलकर एक बार फिर सोनिया गांधी से मांग की थी कि सोनिया गांधी जल्द से जल्द राजस्थान में नियुक्तियां करें और खाली पदों को जल्द से जल्द भरने का काम किया जाए। इसी को लेकर राजस्थान में सोनिया गांधी ने एक बड़ा कदम उठाया है। लगता है कि सोनिया गांधी ने सचिन पायलट और उनके समर्थकों की मांगों को सुन लिया है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान की 3 विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब जिला स्तर पर 3000 नियुक्तियां बहुत जल्द की जा सकती हैं। वहीं प्रदेश स्तर की करीब 1 दर्जन संस्थाओं में भी जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियां होंगी। राजनीतिक नियुक्तियों की बात जो रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। प्रदेश में जल्द ही बड़े स्तर पर राजनीतिक नियुक्तियां होने वाली हैं। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद के लिए मतदान की प्रक्रिया खत्म होने के साथ ही राजनीतिक नियुक्तियों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब किसी भी वक्त राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खुल सकता है। खास तौर से जिला स्तर पर 3000 नियुक्तियां बहुत ही जल्द की जा सकती हैं। वहीं प्रदेश के करीब 1 दर्जन संस्थाओं में भी जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियां होंगी। जिला स्तर पर कई तरह की समितियां होती हैं जिनमें से 20 से 30 हजार कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया जाना है। वहीं प्रदेश स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण बोर्ड आयोग समितियों में नियुक्तियां होनी है। इन नियुक्तियों के लिए 17 अप्रैल का दिन निकालने का इंतजार किया जा रहा था। आज उपचुनाव हो चुका है और ये उपचुनाव के बाद प्रक्रिया खत्म होते ही कार्यकर्ताओं के लिए उम्मीद की घड़ियां शुरू हो गई है। इन नियुक्तियों के लिए एक्सरसाइज पूरी की जा चुकी है और नाम भी फाइनल किए जा चुके हैं। बस अब घोषणा का इंतजार है जो किसी भी वक्त की जा सकती है। प्रदेश स्तर की बात करें तो फिलहाल जन अभाव अभियोग निकारण समिति, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग, किसान आयोग, खादी बोर्ड और समाज कल्याण बोर्ड जैसी संस्थाओं में जल्द नियुक्तियों की संभावना है। वहीं जिला स्तर पर शुरुआती तौर पर 3000 नियुक्तियां की जा सकती हैं। इन राजनीतिक नियुक्तियों के जरिए कार्यकर्ताओं के असंतोष थामने का प्रयास होगा। वहीं बेहतर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। गौरतलब है कि कार्यकर्ताओं को लंबे समय से इन नियुक्तियों का इंतजार है और अब विधायक भी इसे लेकर मुखर होने लगे हैं। हाल ही में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी ये बात कह चुके हैं कि राजनीतिक नियुक्तियों में देरी की अब कोई वजह नहीं है। संभावना जताई जा रही है कि 1-2 दिन में ही राजनीतिक नियुक्तियों की सूची आना शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एसपीएन 9 न्यूज। हाल ही में सचिन पायलट ने अशोक गहलोत से भी मांग की थी कि राजनीतिक नियुक्तियां हो जाएं, लेकिन राजस्थान में 3 उपचुनाव होने के बाद ये राजनीतिक नियुक्तियां अब जल्द से जल्द राजस्थान में हो सकती हैं, ऐसे पूरे संकेत मिल रहे हैं। लेकिन ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा कि सचिन पायलट की ये मांग पूरी हो पाती है या नहीं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एसपीएन 9 न्यूज़ के साथ। Yeah.